टोक्यो ओलंपिक 2020 महिला मुक्केबाजी सेमीफाइनल मुकाबला, लवलीना बोरगोहेन हारी सेमीफाइनल मुकाबला लेकिन कांस्य पदक पर किया कब्जा। जी हां, टोक्यो ओलंपिक के मुक्केबाजी के मुकाबले में लवलीना बोरगोहेन ने इतिहास रच दिया। भले ही वो सेमीफाइनल मुकाबला हार गई लेकिन कांस्य पदक उनके नाम रहा। आपको बता दें कि महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमनेली के खिलाफ था। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा लेकिन कहीं न कहीं मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमनेली उनके खिलाफ भारी पड़ती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि लवलीना जहां पहला राउंड 0-5 से हारी वहीं दूसरा राउंड भी 10-9 से हारी। इसके बाद भी तीसरे राउंड में लवलीना नहीं जीत सकी लेकिन उन्होंने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन का डटकर मुकाबला किया। हालांकि इस ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है और यही वजह रही कि उन्होंने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही ओलंपिक में अपने नाम कांस्य पदक हासिल कर लिया। भले ही सेमीफाइनल मुकाबला लवलीना बोरगोहेन हारी हो लेकिन कांस्य पदक उनके नाम होने से पूरे देश में उत्साह है और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।